ईगल को आसमान का राजा भी कहा जाता है। इनकी नजर इतनी ज्यादा तेज होता है कि कोई भी शिकार इनके नजर से बच नहीं सकता, और इसका हमले करने का रफ्तार इतना तेज होता है कि शिकार को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिलता। ऐसे में ईगल की लड़ाई खूंखार पक्षी गिद्ध से हो जाती है, तो इनमें से जीत किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही पक्षी आसमान के खतरनाक शिकारियों में से आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईगल की। तो हम सब लोग जानते हैं ईगल एक शिकारी पक्षी है जो अपने तेजी और अचानक हमले की वजह से जाना जाता है। इसकी ताकत और मजबूती की बात किया जाए तो ये अपने वजन से 4 गुना ज्यादा वजन के शिकार को लेके हवा में उड़ सकता है। और अगर बात किया जाए गिद्ध की, तो इनकी आकार ईगल से बड़ा होता है, लेकिन इनके पंजे और चोंच ईगल के मुकाबले कमजोर होता है और हमेशा मरा हुआ जानवर को खाता है, जबकि ईगल अपने दम पर खुद ही शिकार करते हैं। अगर ईगल और गिद्ध की लड़ाई होती है तो ज्यादा फुर्ती, नुकीले और मजबूत चोंच और बेहतरीन हंटिंग स्किल के साथ जीत ईगल की होगी। ऐसे आपको क्या लगता है, जीत किसकी होगी, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।